मिशनरी स्कूल में छात्राओं के साथ हुए यौन शोषण के मामले को लेकर राजनीति गर्म है। कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम ने आदिवासी जिलों में शिवराज की शिक्षा व्यवस्था को नाकाम बताते हुए कई आरोप लगाए और सीएम से इस्तीफे की मांग की। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, ईसाई मिशनरी स्कूलों को बंद भी करवाया जाएगा। डिंडोरी के ईसाई मिशनरी स्कूल में छात्राओं के साथ यौन शोषण हुआ। अब इस मामले में राजनीति प्रचंड होती जा रही है। इस मामले को लेकर डिंडोरी विधायक ओमकार मरकाम ने कहा कि आदिवासी जिलों के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, जिससे गरीब वर्ग के आदिवासी अपने बच्चों को निजी संस्थानों में पढ़ाने के लिए मजबूर है। निजी संस्थानों में उनके साथ यौन उत्पीड़न जैसी घटनाएं हो रही है, यह काफी दुखद है। मरकाम यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है कि इतने सालों से आप मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद भी आदिवासी जिलों में शिक्षा व्यवस्था नाकाम साबित हुई है। आपकी वजह से हमारे छात्र छात्राएं निजी स्कूलों में भारी भरकम फीस देकर पढ़ने को मजबूर हैं, जिससे उन्हें और उनके परिवारों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मरकाम ने सीएम से कहा कि आपसे निवेदन है कि आप नैतिक आधार पर इस्तीफा दें। जो जुनवानी में छात्राओं के साथ जो घटना घटित हुई है, जिसकी जानकारी प्राप्त हुई है, मेरा सीधा इसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इतने दिन से मुख्यमंत्री हैं, आप प्रदेश के अंदर खास करके आदिवासी जिलाओं में अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने में आप सफल क्यों नहीं है? आपके अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं देने के कारण हमारे गरीब आदिवासी छात्र छात्राएं निजी संस्थाओं में भारी भरकम फीस देकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इस तरह से घटनाओं के साथ उनके साथ जो आर्थिक समस्याएं बन रही हैं, उसके लिए प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि आप बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए आप सही व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस तरह से परिस्थितियां सामने आ रही हैं। नैतिकता के आधार पर आप अपना त्याग पत्र दे करके आप अपने कर्तव्य में आप असफल हैं, इसके लिए अपना त्याग पत्र देने के लिए आप नैतिकता के आधार पर आगे आए। वहीं इस पूरे मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का कहना है कि इस घटना को लेकर सरकार सख्त है और मिशनरी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। स्कूल को दी जा रही अनुदान राशि की जांच शुरू कर दी गई है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित स्कूलों को बंद करा देना चाहिए। अगले सत्र में मिशनरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करा दिया जाएगा। इस मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी का भी बयान सामने आया है। शिक्षा अधिकारी का कहना है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। देखिए, ये बाहर से लेते हैं, सरकार की ओर से इसमें कहीं कोई फंडिंग का कोई विषय नहीं है। कोई भी संस्था काम करती है तो वो अपने संसाधनों के अलावा ये जरूर है कि उसमें जो परमिशन वगैरह का है उसको हम संज्ञान में ले रहे हैं। कुछ अधिकारियों को भी इस पर कार्रवाई हुई है, जिनने परमिशन वगैरह के लिए उनको अनुमति दिया है, और अनुमति देते समय कुछ चीज़ों को जो हमारे नॉर्म्स है कि शिक्षा के लिए अगर उस आधार पर लेते हैं तो उस आधार पर उनको परमिशन दिए जाते हैं, और परमिशन देने के बाद वो गलत करते हैं तो फिर उनके परमिशन भी निरस्त किए जाते हैं। इस प्रकार की कार्रवाई होती है, और अगर ऐसा हुआ है उसकी जांच पड़ताल चल रही है, और मैं कहूँगा कि इस प्रकार की संस्थाओं को बंद करना चाहिए, चूँकि ये समाज के लिए भी, आदिवासी समाज के लिए भी ठीक नहीं, और पूरे देश के लिए भी, समाज में भी। बीआरसी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई हो मान्यता देने से संबंधित है, और बाकी संबंध में मजिस्ट्रेट जांच चल रही है, डीएम साहब जांच कर रहे हैं, आगे जो भी तथ्य आएगा वो आपको बताएंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।